नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है हीरो एक्सपल्स 200 TVS 60 में बात करता हूँ, जिसके लिए यार देखो अभी हाल फिलहाल में मैं शोरूम भी गया था, वहाँ पे जाके मैंने कुछ चीज़ें के बारे में पता करी है, तो बताता हूँ क्या क्या चीज़ें पता करी है और कब आने के चांसेस जो है इस बाइक के बन रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों बात करिए तो इस बाइक के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आपको जो इंडिकेटर में बल्ब मिलेंगे वो आपको हेलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर मिल जाएंगे, जो कि नॉर्मल ही है। जो कि मतलब ये था कि मैं एक चीज़ चाह रहा था कि इसके अंदर एक चीज़ और जो आपको नहीं मिलेगी वो मिलेगी, इसमें चारों इंडिकेटर ऑन करने का भी ऑप्शन है आपको इस बाइक के अंदर मिल जाएगा। बात कर लिया तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो इसके अंदर जो आपको फ्रंट हेडलाइट मिलेगी वो सेम वैसी रहने वाली है जैसे कि DS4 में आती थी, हेलोजन टाइप की आपको इसके अंदर हेडलाइट मिल जाएगी। और टेल लाइट की बात अगर मैं करूँ तो वो आपको फुली LED टेल लाइट इस बाइक में मिल जाएगी। बात कर लिया तो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट में जो इसका लोगो मिलेगा अगर देखा जाए तो वो H शेप की तरीके से बना हुआ आया है, जैसे आजकल हीरो क्या कर रहा है, जैसे आप लोगों को पता है जैसे पल्सर का एक ब्रांड बन चुका है, टेल सेशन उसका पल्सर का एक अलग ही निकल गया, सेम ही निकल गया और वो हर पल्सर में ऐसे ही रहता है, वैसे सेम इसके अंदर क्या है जो H टाइप का एक आगे फ्रंट में सिंबल बना है जहाँ पर आपको छोटा सा हीरो का जो लोगो है वो लिखा हुआ इस बाइक में मिल जाएगा। बात करी जाए तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेंगे वो आपको 276 mm के फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको इस बाइक में मिल जाएंगे। और रियल डिस्क ब्रेक की बात करूँ तो वो आपको 220 mm के रियल डिस्क ब्रेक आपको इस बाइक में मिल जाएगी, जो कि नो डाउट बहुत बढ़िया है। इसके ब्रेकिंग सिस्टम तो खैर बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आप ब्रेकिंग सिस्टम इसके मुझे पर्सनली पसंद क्यों आए, देखो इस बाइक के अंदर सिंगल चैनल ABS है, सिंगल चैनल ABS होने के बाद भी आप लोग ये कह रहे हो कि यार भाई बेनिफिट क्या है, तो देखो सीधी बात अगर देखी जाए तो जो रियल ब्रेक होता है, अगर मैं रियल ब्रेक की बात करूँ तो रियल ब्रेक के अंदर हमें चाहिए एक ऐसा ब्रेक जो जहाँ तुरंत ब्रेक लगाते साथ ही वो टायर वहाँ पे जाम हो जाए, हमें वो चीज़ चाहिए। और वो चीज़ की पॉसिबिलिटी है हमारे रियल में डिस्क ब्रेक में, ABS में नहीं, रियल में डिस्क ब्रेक में हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये जो बाइक है ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ उठाती है। बात करी जाए तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आपको पैडल डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे जो कि गर्म जितनी जल्दी गर्म होंगे उतनी जल्दी ठंडे होते हैं, ये चीज़ पे खैर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ मिली है। बात करी जाए तो दोस्तों इस बाइक के कर्व वेट के बारे में, तो इस बाइक का जो आपको अराउंड कर्व वेट मिलेगा वो मिलेगा आपको 154 kg के समथिंग इसका वेट आपको इस बाइक में मिल जाएगा। बात करी जाए तो दोस्तों पेट्रोल टैंक कैपेसिटी की, तो इसके अंदर ये आपको 13 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलेगा। और इस बाइक के अंदर आपको जो कलर्स ऑप्शन है वो इस बार काफ़ी अलग अलग कलर ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि अगर बताया जाए तो इसके अंदर आपको ब्लू कलर भी अवेलेबल होगा, इसके अंदर ब्लैक तो खैर होगा ही होगा, वाइट तो खैर इसके अंदर वाइट भी खैर रहेगा, इसके अंदर ग्रीन कलर, रेड कलर, ऐसे कलर्स आपको अवेलेबल और भी ज़्यादा होते रहेंगे, जो कि यार बढ़िया है। इस बार थोड़ा अलग लुक निकल जाए तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। बात करी जाए तो दोस्तों इस बाइक के अंदर पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी की, जैसे कि मैं आपको 13 लीटर का पेट्रोल टैंक बता चुका हूँ। अब आ गया डायमेंशंस, जो कि एक बाइक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रियलिटी बोलो ये ऑफ रोडिंग मशीन के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बात करी जाए तो दोस्तों इस बाइक के डायमेंशंस के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आपको जो ब्रिज मिलेगी वो आपको 850 mm की ब्रिज मिल जाएगी, जो कि नो डाउट काफ़ी ज़्यादा सही है, इतने ज़्यादा कोई इसमें इशू वाली बात नहीं आई है। बात करी जाए तो दोस्तों इस बाइक की हाइट, तो वो मिलेगी आपको 1258 mm की हाइट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाएगी, जो कि शॉकर प्रेजेंट इसके बहुत अच्छे हैं। शॉकर्स की अगर बात करी जाए तो जैसे अभी मैं बात भी करूँगा तो वहाँ पे क्या है, आप जब इस पर सेडलिंग करोगे हाइट के मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, जब आप सेडलिंग करोगे ना तो आपको इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं आने वाला है इस बाइक में, कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ऊँची ऊँची ज़्यादा या नीचे कम, मतलब एक आप आराम से इस बाइक पर सेडलिंग भी कर सकते हो। बात करी जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो यार वो तो नेक्स्ट लेवल की ग्राउंड क्लियरेंस है, 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इस बाइक के अंदर, जो कि अगर इसके अंदर देखा जाए तो इंजन कॉल तो खैर कोई भी नहीं आता, लेकिन हाँ वो 220 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस है। और एक चीज़ का बेनिफिट है इसके अंदर, जो प्लेट नीचे जो प्लेट लगी हुई है वो आपको उसकी मेटल की प्लेट मिलेगी, जो कि काफ़ी बेस्ट बिल्ड क्वालिटी में, और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। देखो छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बहुत बड़ी होता है, कंकड़ पत्थर वत्थर इन सबसे ना काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। बात करी जाए तो दोस्तों इसके अंदर की लेंथ, तो वो मिल जाएगी आपको 2222 mm की लेंथ आपको इस बाइक में मिल जाएगी। बात करी जाए तो इस बाइक का व्हील बेस, तो वो मिलेगा आपको 1410 mm का व्हील बेस आपको इस बाइक में मिल जाएगा, जो कि नो डाउट बहुत ज़्यादा व्हील बेस अच्छा है। जितना ज़्यादा ये चीज़ें आप लोगों को पता है, जैसे मैं डायमेंशंस के बारे में, तो जितनी अच्छी डायमेंशंस होती है उतनी ज़्यादा बाइक जो है वो रोड पे तो अच्छी ग्रिप बना के चलती है, रोड प्रेजेंट अच्छा निकाल के देती है। रोड प्रेजेंट इन द सेंस अगर देखा जाए तो यार जो आपको कंफर्टेबल जो चीज़ चाहिए होती है, जो आप सैडल बैग्स लगाना चाह रहे हो या साइड में
कुछ भी टॉप बॉक्स है ये सारी चीज़ें लगवानी चाहते हो, वेट करके इस बाइक पे भी लेके जाना चाहते हो, वहाँ भी ये जो बाइक है आपको कोई भी इशू नहीं रहेगी। बात करी जाए तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, अलॉय व्हील्स मिलेंगे। देखो ये वाली जो मशीन है, जैसे मैं 200T की बात करता हूँ, इस बाइक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस बाइक को ऑन रोड भी चला सकते हो और ऑफ रोड भी चला सकते हो, ठीक है। ऑन रोड क्यों? क्योंकि एक तो अलॉय व्हील्स मिल जाए इस बाइक में, ठीक है। ऑफ रोड क्यों? ऑफ रोड में भी आप अलॉय व्हील्स, देखो रियलिटी में बोला जाए तो ऑफ रोड में स्पोक व्हील काफ़ी सक्सेस है, बहुत ज़्यादा सक्सेस है, लेकिन ये उन बंदों के लिए बाइक बनाई गई जो ऑफ रोड भी करना चाहे और डेली यूज़ भी इस बाइक को कर सकते हैं, ताकि कल को पंचर हो जाए या कोई चक्स वगैरह किसी भी रीज़न से टायर में, मतलब बीच में रास्ते में धक्का ना मारना पड़े। तो इसके अंदर आपको साथ के साथ ट्यूबलेस टायर भी आपको इस बाइक में मिल जाएंगे। बात कर जाए तो इस बाइक के अंदर आपको रेडियल टायर मिलेंगे जो कि काफ़ी बढ़िया रहते हैं, जितना गर्म होते उतने ही मतलब कम्फर्टेबल काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं। बात कर लेते हैं इस बाइक का व्हील साइज़ के बारे में, तो इस बाइक का जो फ्रंट व्हील साइज़ मिलेगा वो मिलेगा 533.4 mm का फ्रंट व्हील साइज़ होगा, जो रियल व्हील साइज़ होगा वो मिलेगा 457.2 mm का रियल व्हील साइज़ आपको इस बाइक में मिल जाएगा। फ्रंट टायर की बात करूँ तो 90x90 का फ्रंट टायर मिलेगा, और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा आपको 120x80 का रियल टायर आपको इस बाइक में मिल जाएगा। देखो मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ भाई, ये बाइक वो बाइक नहीं जिससे आप कॉर्नरिंग करने का सोचो, ये चीज़ मैं आपको पहले के लिए कर रहा हूँ, कॉर्नरिंग करने का सोच रहे हो आप, ये वाली बाइक नहीं है ट्रैक में भगाने वाली, ये वो बाइक नहीं, ये बाइक है ऑफ रोड करने के लिए फुली, जितने एडवेंचर आप इस बाइक से करना चाहो ना, तो भाई एक तरीके से देखा जाए तो छोटी ATV समझ लो आप इस बाइक को, समझना क्या भाई है ही, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस, काफ़ी अच्छा माइलेज भी आप लोगों को ये बाइक निकाल कर दे देती है। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है इस बाइक के अंदर 1% की भी कोई भी कमी है, बजट के अकॉर्डिंग ये जो बाइक है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन निकाली जाती है। तो अगर टायर साइज़ की बात करें तो फ्रंट में आपको 21 इंचेस का मिलेगा, और जो रियल मिलेगा वो आपको 18 इंचेस का मिल जाएगा, जो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, ये चीज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बात कर जाए तो दोस्तों सस्पेंशन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बाइक के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे और रियल में मिलेंगे 10-स्टेप एडजस्टेबल मोनोसोकल सस्पेंशन मिलेंगे। भाई जब मैंने इस बाइक को राइड करा, टेस्ट राइड के लिए मैंने इस बाइक को ली थी, और ऑफ रोड भी मैंने इस बाइक से करी है, आप लोगों ने मेरे कुछ व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें मैंने इस बाइक को यूज़ करा दिया। एक तो इसका सस्पेंशन बहुत प्यार है, रियलिटी में बोल रहा हूँ, लाइफ में दो गाड़ियों का सस्पेंशन मुझे इतने मस्त लगे कि बस मैं तुम्हें क्या बताऊं, जिसके ऊपर अभी व्लॉग मैं आएंगे तुम लोगों के लिए आएंगे, अभी नहीं आएंगे। और दूसरा ये इस गाड़ी का सस्पेंशन बहुत, देखो ऑफ रोडिंग मशीन के तो सस्पेंशन चाहिए ही चाहिए होते हैं, जिस तरीके से वो बाउंस करती है या एक अलग जो फील करती है ना, वो चीज़ के लिए तो खैर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और बात कर जाए तो दोस्तों इस बाइक के अंदर चेसिस के बारे में, तो आपको ट्यूबलर डायमंड टाइप की चेसिस मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको अच्छा खासा पावरफुल आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा, इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 199.6 cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड। ये चीज़ इस बार अच्छी होगी, ऑयल कूल्ड, देखो अगर नहीं भी आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हीरो की गाड़ी के अंदर हीटिंग इशू कभी नहीं आती, मैं रियलिटी में बोल रहा हूँ, मैं भी पर्सनली 12-13 साल से चला रहा हूँ, हीटिंग इशू नहीं आती, लेकिन इसके अंदर ऑयल कूल्ड दे दिया तो और भी ज़्यादा बेहतरीन हो गई ये गाड़ी। अगर मैं रियलिटी बोलूँ तो इसके अंदर आपको ऑयल कूल मिल जाएगा, 4-stroke 2-valve सिंगल सिलेंडर OHC आपको इस बाइक के अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगा वो निकालेगा 18.8 PS एट द रेट 8500 RPM पर, जो मैक्सिमम पावर निकालेगा वो निकालेगा 16.45 Nm एट द रेट 6500 RPM पर। BS6 की आपको ये बाइक मिल जाएगी, और बोर जो मिलेगा वो मिलेगा 66.5 mm का बोर मिलेगा, स्ट्रोक जो मिलेगा 57.5 mm का स्ट्रोक आपको इस बाइक में मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की बाइक आपको ये बाइक मिल जाएगी, और वहीं पे इस बाइक के अंदर आपको चैन ड्राइव मिल जाएगी, जो कि ओरिंग वाली चैन ड्राइव इस बाइक में होने वाली है। ये चीज़ अच्छी है, लेकिन अगर मैं रियलिटी बोलूँ कि देखो अगर इसमें चैन कवर होता तो और अच्छा होता, क्यों? क्योंकि देखो अगर देखा जाए तो चैन कवर होता तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट क्यों होता, धूल मिट्टी डस्ट वर्क, क्योंकि ऑफ रोडिंग मशीन है भाई, सीधी बात है, तो धूल मिट्टी लगने का तो 101% चांस है, लेकिन यही है कि अगर लग जाता तो थोड़ा वेट बढ़ जाता, मेरे हिसाब से फाइबर का आता तो शायद थोड़ा बेनिफिट होगा, लेकिन खैर वो चीज़ एक अलग बात है, वो तो खैर अपनी पर्सनल थिंकिंग थी, इसके अलावा तो और खैर कुछ नहीं। पेट्रोल आप इस बाइक में कोई भी डलवा, अगर आप इस बाइक को प्रॉपरली ऑफ रोडिंग के लिए लेना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से इसमें नॉर्मली पेट्रोल डलवाना, स्पीड का पेट्रोल मत डलवाना, क्योंकि स्पीड का पेट्रोल हर जगह पर अवेलेबल नहीं है। और अगर आप ये सोचो कि हाँ भाई मतलब कभी कभी है टैंक फुल करा के आपका काम चल जाएगा, जैसे 13 लीटर का, तो फिर आप इसमें स्पीड का डलवा दो, इतना ज़्यादा इशू नहीं है, आराम से आपकी ये निकल जाएगी। बात कर लेते हैं थोड़ा सा माइलेज की, ये माइलेज क्या देगी गाड़ी आपको, और हाँ तो दोस्तों आपको ये जो बाइक है ये अराउंड 45 समथिंग का माइलेज निकाल कर देतेगी,
40 से 45 तक का माइलेज ये बाइक आपको निकाल के दे देगी, जो कि बहुत अच्छा माइलेज है मेरे हिसाब से, बहुत बढ़िया माइलेज है। इतना तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं दे रही होगी ऑफरोडिंग, दूसरा ऑफरोडिंग का मज़ा, तीसरा माइलेज तो और चाहिएगा यार। यानी अगर एक देखा जाए तो 1 किलोमीटर 2 रुपये में निकाल दिए गए, तो मेरे हिसाब से माइलेज में तो नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइलेज का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको ये बाइक निकाल के दे देगी। और अगर बात करें जैसे दोस्तों हाईवे पे जो है इसका माइलेज वो थोड़ा कम रहेगा, अराउंड 42 समथिंग का माइलेज, 42 से 40 तक का माइलेज आपको निकाल के दे देगी। डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्किल के ऊपर, आप किस तरीके से बाइक को राइड करते हो। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब मेन चीज़ बता दो, देखो दोस्तों ये किस बंदे को ये बाइक परचेज़ करनी चाहिए। देखो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो ऑफ रोड भी करना चाहते हो, सिटी राइड के लिए भी यूज़ करना चाहते हो, एक बाइक से आपको सारे काम चाहिए, तो आप इस बाइक को परचेस कर लो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि हाँ भाई बस मुझे इस बाइक से ऑफ रोड करना है, तो इस बाइक को मत लेना। क्योंकि रीज़न, क्योंकि इसके अंदर आपको मिल रहा है अलॉय व्हील्स, और अलॉय व्हील्स ऐसे होते हैं ऑफ रोडिंग में बड़ी जल्दी एक बार टूट गए ना तो भाई लंका लगा देंगे, और स्पोक व्हील ऐसे होते हैं कि अगर वो बैंड भी हो जाए तो आपको आपके घर तक तो पहुँचा ही देंगे। ये चीज़ का बेनिफिट होता है, तो वो ये एक चीज़ का बेनिफिट है, तो एक चीज़ का नुकसान है। अगर आप ये सोचो कि डेली यूज़ भी करना है और सारा काम करना है, तो वहाँ पे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन कभी कभी सोचो कि भाई कभी कभी ऑफ रोड है, वहाँ भी अच्छी है, लेकिन ये कि हमेशा ही ऑफ रोड, तो वहाँ पे मत लेना, आप 200 की तरफ चले जाना, क्योंकि ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। मीटर ऑलमोस्ट सारा सही है, मैं फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको इस बाइक के अंदर सारी मिली जाएगी। तो दोस्तों और हाँ एक चीज़ और, बहुत ही जल्दी कुछ बढ़िया व्लॉग्स आएंगे तुम लोगों के लिए, जो कि इस बार स्कूटी के ऊपर व्लॉग होंगे, तो उसका भी वेट करते रहो और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। तो दोस्तों वीडियो पसंद तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना वो कर लेंगे, दिमाग नहीं खराब करने में क्वेश्चन ले रहा हूँ।